हेलो हेलो हेलो, आज मेरी आवाज अलग क्यों है? क्योंकि मैं ब्लैक डैनो का भाई हूँ। हमारे पुराने सब्सक्राइबर मुझे जरूर जानते होंगे। अगर आप मुझे नहीं जानते, हियर अ न्यूज फॉर यू, आई एम हियर बिकॉज ऑफ सम डिफिकल्टीज। आई विल टेल यू एट द एंड ऑफ द वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं क्लैश ऑफ क्लैंस बिल्डर बेस, जिसे मैं नाइट बेस कहता हूँ। आज मैं मेरा पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड ब्रेक करने को ट्राई करूंगा, जो कि है 5145। मेरे पास 5 अटैक होंगे। अगर 5 में से 4 अटैक भी सक्सेसफुल हो गए तो फिर मैं ब्रेक कर दूंगा अपना पर्सनल बेस्ट रिकॉर्ड। जैसे हम बेस देखेंगे वैसे हम आर्मी चेंज करते रहेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ओके, तो हमारा पहला अटैक, हमें 2 स्टार लेने हैं। मेगा टेस्ला हमारा प्राइमरी टारगेट रहेगा। पहले मैं पेक्का डालूंगा। ये वॉल्स मुझे ब्रेक करने हैं और एक और पेक्का और पीछे से थोड़ा सा बैकअप। रेज बार भी रेंज जाएंगे बैकअप के लिए। और ये हॉग राइडर जाएगा और थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देगा। ये देखो, मैंने मेन डिफेंसेस उनके डिसेबल कर दिए। अभी मुझे टाउन हॉल तो मिल ही जाएगा, तो मैं पेका ये बाजू से छोड़ देता हूँ परसेंटेज के लिए और थोड़ा सा बैकअप दे देता हूँ पेका को। पेका ठीक से जा रहा है लेकिन उसकी हेल्थ बहुत डाउन है। ओके, मुझे टाउन हॉल मिल चुका है तो मैं परसेंटेज ग्रैब कर सकता हूँ। अभी तक सिर्फ 31% ही हुआ है। अभी उन्होंने पेका को कर दिया है। ओके, मैंने यहाँ पे बारबेरियंस वेस्ट कर दिया मेरे। क्या ये 50% हो पाएगा? 2 स्टार हो सकता है अगर मैं ठीक से खेल दूँ तो। इसको इधर जाना चाहिए। ओके ओके, हमारे 2 स्टार तो हो चुके हैं। ओके, हमने 2 स्टार ले लिए हैं। देखते हैं हम जीते या नहीं। भाई साहब, हमारा पहला अटैक फेल हो चुका है। चैलेंज बहुत हार्ड होने वाला है क्योंकि ये मेरा पर्सनल पेस्ट है, तो ऑफ कोर्स ये हार्ड होने वाला है। भाई साहब, ऐसे बेस बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं। तो हम इसी स्ट्रेटर्जी से जाएंगे। नहीं, एक और पिक्का चाहिए रहेगा क्योंकि ये देखो, ये वाले बेस बहुत ज़्यादा हार्ड रहते हैं क्योंकि यहाँ पे टाउन हॉल नहीं मिलता। हमें पहले तो ये वाले कैनन के पास वाली जो वॉल है ब्रेक करके टाउन हॉल के अंदर एक पिक्का जाना चाहिए और एक पिक्का नीचे से जाना चाहिए, क्योंकि ये 2 क्रशर है वो पूरी आर्मी खा जाएंगे। तो पहले हमें ऊपर सब वॉल्स ब्रेक करने होंगे और एक पिक्का ऊपर से जाएगा और नीचे से मिनिमम एक पेक का या हमारा बिल्डर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं कैसे होता है। एक पेक का यहाँ पे, एक पेक का यहाँ पे। ज़्यादा काम तो वॉल ब्रेकर्स को ही करना है। वो अटैक करके भी आ गया, वो देख रहा है मुझे। भाई भाई भाई, थोड़ा बैकअप। भाई उसने तोड़ा ही नहीं, गया। अटैक फेल हो सकता है, फेल हो ही गया है। यार वो वॉल ब्रेकर को मैंने मार दिया, वो बहुत बड़ी गलती थी। भाई यार तोड़ देता। ओके, हमारा इतना लक अच्छा है कि एक पेक्का अंदर चला गया है पर पेक्का ने अपना काम कर दिया है। तो बिल्डर को अंदर भेज देते हैं। हमने 47% ग्रैब कर लिया है। फिर भी बिल्डर बहुत गलत जगह पे गया है क्योंकि वहाँ से ज़्यादा नज़दीक क्रशर है और 50% भी नहीं हो सकता क्या? कम ऑन यार, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड रहता है। 49%, दूसरा अटैक भी फेल हो सकता है हमारा। देखते हैं उन्होंने कैसे अटैक कर दिया। यस, हम जीत चुके हैं। What? मैंने 47% इस बार मेरा लक साथ दे गया। दूसरा अटैक हम जीत गए, एक अटैक हम लूज कर गए और ये तीसरा अटैक है। लेट्स सी। ओके, मैं इस बार मेगा टेस्ला को नहीं टारगेट करूंगा, या फिर करते हैं आर्मी थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा ग्राउंड आर्मी ले लेते हैं। मतलब पहले भी ग्राउंड ही था लेकिन ये कैनन वाली आर्मी है। हम ये ऊपर की साइड से आएंगे, 2 पेक्का पहले जाएंगे, बीच में रहेगा बिल्डर। वॉल ब्रेकर स्प्रेड करके डालेंगे और फिर थोड़ा सा बैकअप हम कैनन से देंगे। 3 कैनन जाएंगे
दो ब्रेक होने वाले, इसलिए ओ भाई पिक्का के लिए ओ ये गलत चला गया। हाँ इसने ठीक से कर दिया, ये ठीक से जा रहा है, लेकिन कैनन मरे जा रहे हैं हमारे, टाउन हॉल नहीं मिलने वाला। अटैक बड़ा रॉन्ग हुआ है, बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग हुआ है। मैं सीधा टाउन हॉल के लिए ये भेज दिया है मैंने। ओके देखते हैं। ओके हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। कैनन सीधा टाउन हॉल के लिए चले गए इसलिए, लेकिन परसेंटेज ज़्यादा ही मिल गया है, 62% मिल गया, अब तक का तो बेस्ट है। तो देखते हैं क्या हम ये जीत गए। अटैक नंबर 3, यस ब्रो, अटैक नंबर 3 इज आवर्स। ओके और दो ही अटैक बचे हैं, तो पर्सनल बेस्ट है 5145। देखते कितने नज़दीक पहुंच जाते हैं। ओके अटैक नंबर 4, लेट्स गो। ये टाइम पे क्रशर बहुत दूर है, मतलब ये पूरे के पूरे एक साइड में है, तो मैं इसी अटैक से जा सकता हूँ। ओके तो मैं क्या करूँगा, एक वॉल ब्रेकर यहाँ पे डालूँगा और किंग को थोड़ा सा पीछे से आने दूँगा, पिक्का को आगे जाने दूँगा, वॉल ब्रेकर्स को स्प्रेड कर दूँगा। ओके एक पिक्का के पीछे एक कैनन, इसके पीछे एक कैनन, एक और कैनन। हाँ अभी इनकी बारी है, जैसे टेस्ला डाउन हो जाएगा मैं हॉग राइडर छोड़ दूंगा। हॉग राइडर गया मेन डिफेंस के लिए भाई। ओके ठीक है, मेगा टेस्ला को टारगेट कर दिया है हॉग राइडर से, पीछे से कैनन डाल रहा हूँ भाई। भाई एक और कैनन, यार कैनन पहले ही कर देना चाहिए था, अभी परसेंटेज ड्राइव कर देते हैं कैनन से। परसेंटेज ग्रैब 52% हो चुका है यार, कभी कभी। ओके ठीक है, जल्दी से एंड, 52% से जीत सकते हैं हम शायद। उसका अटैक तो फिनिश हो चुका है, या तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट अटैक करता है, या वी वॉन अगेन, वी हैव रीच 5121 ट्रॉफीज। लेट्स गो एंड ट्राई विथ द फिफ्थ अटैक, द फाइनल अटैक। फाइनल अटैक से मैं पहुंच सकता हूँ या नहीं पता नहीं मुझे, पर देखते हैं कितने नज़दीक पहुंचते हैं। इस बार क्रशर्स बेस के बीच में और ज़्यादा परसेंटेज है बेस के राइट साइड में, और कम परसेंटेज मिलेंगे अगर हम लेफ्ट साइड से गए तो मैं ऊपर से आऊँगा, ना लेफ्ट ना राइट, हम ऊपर से आएंगे। ये हार्ड होने वाला है, देखते क्या होता है। पिक्का मुझे ये साइड पे नहीं, अंदर ही जाना चाहिए पिक्का। ओके पिक्का यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। तो कैनन्स के लिए जगह चाहिए, लेकिन ये पिक्का तो चला गया भाई। पिक्का बोला मेरे को आना ही नहीं है, अभी मेरे को बैकअप स्ट्रांग चाहिए इन दोनों को। भाई अटैक तो पूरा, मतलब पूरा गंदगी हो चुका है, पूरा गंदगी हो चुका है। मुझे अभी सिर्फ बैकअप चाहिए बंदों का। भाई गया भाई, दोनों पिक्का अंदर जाने के, अंदर गए ही नहीं पिक्का, तो पहली बार बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। फिर भी ऐसे तैसे कुछ तो हो सकता नहीं हुआ, What? अटैक बहुत गलत हुआ क्योंकि पेक्का अंदर गए ही नहीं, नहीं तो इजी टाउन हॉल था ये। 60% अगर उन्होंने अगर टाउन हॉल ले लिया है मेरा, तो मेरे मेरी बत्ती गुले। ओके भाई साहब, ऐसे तैसे जैसे वैसे हम पहुंच चुके हैं 5148, और मेरा पर्सनल बेस्ट ब्रेक हो चुका है। जैसे कि हमने कहा था, 5 में से हमें 4 मैचेस तो जीतने हो रहे, और हमने 4 मैचेस जीत भी लिए। ओके गाइस, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं बताना वाला था कि डिफिकल्टीज क्या थी। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा कि अजय बाहर गया है। अजय मुझे वीडियो सेंड करने वाला था जो कि मैं एडिट करके अपलोड करने वाला था, लेकिन वैसे कुछ हुआ ही नहीं, उसे टाइम ही नहीं मिला वहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे पास वीडियो आइडिया था तो मैंने रिकॉर्ड कर दिया। सो दिस इज इट गाइज,
मुझे आपके थॉट्स कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कैसे लगा ये वीडियो, और मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।